प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत के कई पहलू हैं। इनमें एक पहलू उनकी भावुकता का भी है, जिसे लेकर उनके समर्थक भी भावुक हो उठते हैं। पीएम मोदी गुजरात के भरूच में हुए एक उत्कर्ष समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत कर रहे थे। पीएम मोदी सरकारी योजनाओं के एक दृष्टिहीन लाभार्थी अयूब पटेल से बात कर रहे थे। अयूब भाई, क्या ना छो मूल? मूल वागरा गाम नो छु साहेब। वागरा तालुको? हाँ जी। अने शु भण्या? हूँ धोरण 12 भणेलो छु साहेब। 12 भण्या छो? हाँ जी। जरा तमारा विषय में बताओ, आ योजना शू छे, योजना नो लाभ शू मळ्यो छे, जरा को। मैं सर ब्लाइंड हूँ और राष्ट्रीय अंजन मंदिर में मानव सेवा दे रहा हूँ। देखिए, आप ये मत कहिए कि आप ब्लाइंड है, आपको दिव्य दृष्टि है। पीएम मोदी ने अयूब पटेल की बेटी आलिया से भी बात की और उससे उसके भविष्य के सपने के बारे में पूछा। आलिया ने जब डॉक्टर बनने के पीछे वजह बताई तो पीएम मोदी खुद को रोक नहीं सके और सबके सामने ही भावुक हो गए। अब उनको आशीर्वाद दीजिए सर जी। अरे मेरे आशीर्वाद है, क्या नाम बेटा? आलिया। अच्छा बेटा, बताइए डॉक्टर बनने का मन विचार आया? पापा की प्रॉब्लम को देखकर। उसे नहीं बोला जाएगा, वो थोड़ा भावुक हो गई है। वो थोड़ा भावुक हो गए तो वो नहीं बोल सकेगी सर जी। ऐसा है, बेटी को बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। पीएम मोदी ने आलिया की सराहना करते हुए कहा कि तुम्हारी संवेदना ही तुम्हारी ताकत है। बेटी, तुम्हारी जो संवेदना है ना, वही तुम्हारी ताकत है। अयूब जी, आपका और आपकी बेटियों का विशेष अभिनंदन करता हूँ। हालांकि देश भर में हिंदुत्ववादी मुसलमानों के खिलाफ लगातार देश भर में अभियान चला रहे हैं, ऐसे में पीएम मोदी की अयूब पटेल से बातचीत को भी एक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने कहा भी कि कोई जरूरत हो तो बताना। पहले तो आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया, रमजान भी बहुत बढ़िया से मनाया, ईद भी बढ़िया से मनाई, और सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने शारीरिक जो पीड़ा है उसको शक्ति में बदल रहे हो, और बेटियों को डॉक्टर बनाना और बेटी के मन में विचार आना कि पिताजी की इस पीड़ा ने मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। दरअसल गुजरात चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार प्रदेश की जनता से संवाद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, ऐसे में उनकी संवेदना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर से जुड़ा एक किस्सा हाल में बयां किया। अमित शाह ने बताया कि भूखे मोर के दाने पानी के लिए बीच बैठक में पीएम मोदी ने किस तरह निर्देश जारी किए। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। पीएम मोदी का मोर के प्रति प्रेम पहले भी लोक कल्याण मार्ग की तस्वीरों में झलका है, लेकिन मौजूदा हालात में विपक्षी दल कपड़ों से पहचानने वाले बयान को लेकर पीएम मोदी को अक्सर घेरते रहे हैं। हाल ही में अयोध्या में गोल टोपी पहन हिंदुत्ववादी मस्जिद के बाहर मांस फेंकते पकड़े गए, और अब तो बुलडोजरों पर भी कपड़े पहचान कर अवैध निर्माण गिराने के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में जनता के विरोध के बाद बुलडोजर को लौटना पड़ा। चुनावी राज्यों में चल रही नफरती मुहिम के बीच आलिया के सपनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक होना एक अहम संदेश है। काश ये संदेश उन लोगों तक पहुंच पाता जो कपड़ों से पहचान कर जगह जगह अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की सियासत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री से सीख लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।